जेल में बंद था गोपाल मेघवाल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस का, कल रात को डेथ हो गई। 7:50 पर ये मोर्चरी में ले आए। परिवार वालों को 7:55 पर सूचना दी जाती है थाने के माध्यम से, और परिवार वालों को जो ये सुबह लेकर आए तो परिवार वालों को सूचना देकर बुलाना चाहिए, या फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उसको एडमिट कराना चाहिए। तो वापस जेल में क्यों ले गए और यहाँ से ले गए, वो ख़त्म हो गया। और मैं तो ये कहूँगी कि जेल प्रशासन की लापरवाही से ये मौत हुई है, उसकी जाँच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इस परिवार का मुखिया था। किस मामले में बनते हैं? कोई जमीन संबंधित कोई मामला था उसमें, मुझे प्रकरण की तो पूरा संज्ञान में नहीं है, पर जेल में बंद था। और जेल में किसी कैदी की मौत हो जाती है तो FIR भी दर्ज होती है, मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है, उसमें भी इन्होंने देरी की, क्योंकि कल रात की डेथ हुई, आज तक अब सुबह तो मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए हैं और सुबह ही FIR दर्ज हुई, तो ये नेग्लिजेंस ही है। अधिकारियों से हमने बातचीत की तभी ये मजिस्ट्रेट भी जल्दी से नियुक्त हुए हैं और वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आई, और परिवार रात भर से परेशान है। और जिस परिवार में मौत हो जाती उस अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है जब तक वो दाह संस्कार नहीं होता है, तो ये सरासर लापरवाही जेल प्रशासन की। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? ये गोपाल मेघवाल जाटली का रहने वाला है, कांग्रेस का पूर्व पंचायत समिति का मेंबर है। इसका एक छोटा भाई मेघवाल युवा समाज का राजस्थान का अध्यक्ष है, एक भाई इसका रेंजर से रिटायर्ड हुआ, एक भाई वर्तमान में पुलिस में कार्यरत है। हाँ, मेडिकल बोर्ड से करा रहे, 43 साल के। तो इसके परिवार में यही कमाने वाला था, यही खत्म हो गया, तो परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।